ये हमारा नया माइक्रोवेव ओवन का मॉडल है, जिसका मॉडल कोड है DW2810C। इसमें जो बटन्स लगे हुए हैं, ये एक माइक्रोवेव और डियोडराइज का है, माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ग्रिल और कॉम्बिनेशन, स्टॉप कैंसिल और वेट एडजस्ट का इसमें बटन दिया हुआ है। अगर आप इसको सिंपली क्विक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस बटन को एक बार दबाते हैं तो 30 सेकेंड्स के इंक्रीमेंट के साथ आपका माइक्रोवेव 100% पावर पे स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने इसको कैंसिल करना हो तो आप इस कैंसिल के बटन से एक दफा दबाएं तो ये स्टॉप हो जाता है, दोबारा दबाएंगे तो ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ग्रिल का ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप ग्रिल का बटन एक बार दबाएं तो ऊपर आपके पास ऑप्शन आया था टाइम सेलेक्ट करने का, तो आप इस नॉब से अपना टाइम सेट कर दें। सपोज अगर मैंने 6 मिनट के लिए इसको ग्रिल करना है, सेट करके मैं इस बटन को एक बार दबाता हूँ तो मेरा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, एक बार दबाऊंगा तो ये पॉज हो जाएगा, दो दफा दबाने से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ये देखें तो ऊपर साथ ग्रिल का ऑप्शन भी आपको शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो ग्रिल के साथ कॉम्बिनेशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर आप ग्रिल और माइक्रोवेव दोनों एक साथ यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन के बटन को दो दफा दबाता हूं तो कॉम्बिनेशन वन सिलेक्ट हो जाता है। कॉम्बिनेशन वन में 30% माइक्रोवेव और 70% ग्रिल यूज होती है। अगर मैं इसको दोबारा दबाता हूँ तो कॉम्बिनेशन टू सिलेक्ट हो जाता है, जिसमें 55% माइक्रोवेव और 45% ग्रिल इस्तेमाल हो रही है। और इसी तरह अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो आप टाइम सिलेक्ट करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कन्वेक्शन फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो कन्वेक्शन कीप वार्म वाले बटन को जब मैं दबाता हूं तो ये रिपीटेडली दबाने से इसका हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 200 डिग्री तक सेट हो सकता है, 110 से लेकर 200 डिग्री तक। अगर मैं 150 डिग्री पे सेट करके इसको चलाना चाहता हूँ तो मैं इधर से नीचे से टाइम सेट करके जो मेरा रिक्वायर्ड टाइम है और इस बटन को तो पुश करूंगा तो कन्वेक्शन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको स्टॉप करना है, पॉज करना है तो एक बार दबाऊंगा तो पॉज हो जाएगा, दोबारा दबाने से कैंसिल। ये जो माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन का ऑप्शन है इसमें 4 प्रीसेट कॉम्बिनेशंस हैं। इसी तरह जिस तरह ग्रिल के साथ कॉम्बिनेशन थे, इसमें भी हमारे पास 4 प्रीसेट कॉम्बिनेशन है। एक दफा दबाते हैं तो यहां से हम टाइम सेट कर रहे हैं, टेम्परेचर सेट कर रहे हैं सॉरी। इन कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 140, 170 और 200 डिग्री सेंटीग्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप टाइम सिलेक्ट करके आप इसको स्टार्ट कर दें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक डियोडराइज का ऑप्शन है कि अगर आप इसको डियोडराइज करना चाहते हैं तो इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखें तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 5 मिनट सेट हो जाता है। इस टाइम को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैक्सिमम टाइम मैं 95 और 10 सेकंड तक भी, 95 मिनट मैक्सिमम टाइम है और 10 सेकंड मिनिमम टाइम है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 5 मिनट पे स्टार्ट होता है। और आप इसको प्रेस करते हैं तो ये डियोडराइज फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन है कीप वार्म की, कि अगर आप किसी चीज को वार्म रखना चाहते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वेक्शन के थ्रू, आप इसको तो प्रेस करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड सिलेक्ट हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट जब आप स्टार्ट बटन को दबाएंगे ये 30 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और इसको आप किसी भी वक्त पॉज और कैंसिल कर सकते हैं।